हाँ हेलो एवरी वन स्टूडेंट, आज फिर मैं आपकी खिदमत में आ गया हूँ। आज बिल्कुल नए अंदाज का नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। यह आपके लिए इम्तिहान में बहुत ही कारामा साबित होगा, जो इस्लामिक कल्चर के नाम से और जीके के नाम से क्वेश्चन आते हैं उसके सॉल्व के लिए सबसे 100% ये कामयाब क्वेश्चन हैं। आपको एक बार सिर्फ पढ़ लेना होगा, सिर्फ अपने खातिर, वही आपका वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा और आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। देखते हैं, आज देखेंगे सबका क्वेश्चन नंबर 78 यानी कि 78 से देखेंगे क्वेश्चन में। 78 में क्या है कि सुंदरौ कहाँ स्थित है, सुंदरौन कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि पश्चिम बंगाल में। देखते हैं सवाल नंबर 79 में, वह कौन सी नदी है जो दिल्ली से होकर गुजरती है, वो कौन सी नदी है जो दिल्ली से गुजरती है, इसका राइट आंसर देखते हैं सी है यानी कि यमुना। आगे देखते हैं सवाल नंबर 80, रेशम उद्योग के लिए महत्वपूर्ण संयंत्र है क्या चीज, इसका राइट आंसर होगा शहतूत यानी कि सी है, शहतूत के पत्तों से रेशम के कीड़े बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 81 में, किस राज्य की सरकारी भाषा अंग्रेजी है, किस राज्य की सरकारी भाषा अंग्रेजी, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि नागालैंड की। आगे देखते हैं सवाल नंबर 82 में, कौन सा गैस सोडा पानी की तैयारी में प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते होंगे आप इंग्लिश साइंस से जाने होंगे, लेकिन यहाँ भी आपको जीके के तौर पर जानना होगा कि कौन सा गैस सोडा पानी में होता है, इसका राइट आंसर होगा डी यानी कार्बन हाइड्राइक्साइड। आगे देखते हैं सवाल नंबर 83 में, 29वां समानांतर रेखा किन देशों के बीच की सीमा है, इसका राइट आंसर देखते हैं इसका सी होगा यानी कि उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। में सवाल नंबर 84 में, उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि महानदी है। सवाल नंबर 85 में, इनमें कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, आपको याद ना करना होगा कि 85 क्वेश्चन में इसका राइट आंसर होगा सी न्यूरेक है। अगले देखते हैं सवाल नंबर 86 में, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि सहारा है। अगले देखते हैं सवाल नंबर 87 में, किस देश में जो जौ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा, राइट आंसर होगा सी यानी कि रूस का है। अब देखते हैं सवाल नंबर 88 में, वह धातु जिसका लौन प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बी है यानी कि चांदी है। अब देखते हैं सवाल नंबर 89 में, 89 क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि कटक में। अब देखते हैं सवाल नंबर 90 में, परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके राइट क्वेश्चन आपको देखने के लिए चार विकल्प में से चुनना होगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर बी यानी कि डॉक्टर एच जो भाभा थे। अगर देखते हैं सवाल नंबर 91, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तमाम क्वेश्चन जो जीके से आते हैं आपको सिर्फ यहाँ पढ़ लेना होगा, एक बार सिर्फ चुनना, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि मुंबई में। अगर देखते हैं सवाल नंबर 92 में, ऊंचाई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो तमाम क्वेश्चन आपको याद करना होगा, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि तुंगता मापी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 93 में, काली मिट्टी किस चीज़ की खेती के सबसे अनुकूल है, काली मिट्टी किस चीज़ के खेती के सबसे अनुकूल है, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि कपास के। आगे देखते हैं सवाल नंबर 94 में, खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अनुकूल है, खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अनुकूल है, इसका राइट आंसर होगा डी यानी दलदली मिट्टी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 95 में, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि नेपाल में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 96, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, प्यारे स्टूडेंट वो तमाम क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ आपके फायदे के लिए, एक बार जरूर सुनना और सुनने के पास साथी के पास शेयर जरूर करना, तो राइट इसका होगा डी यानी गुजरात में है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 97 में, भारत का समुद्र तट की लंबाई कितनी है, इसका राइट आंसर देखने के लिए ए है यानी कि 75.1 और 6.6। आगे देखते हैं 75 से 16.6। आगे देखते हैं सवाल नंबर 98 में, शोर मंदिर कहाँ स्थित है, शोर मंदिर कहाँ स्थित है, राइट आंसर होगा डी यानी कि महाबलीपुरम में, कहाँ है, महाबलीपुरम में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 99 में कि दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि अनाइडमुडू में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 100 यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, आपको याद करना होगा रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया, इसका राइट आंसर होगा सी यानी जे एच दूरत के द्वारा इस्तेमाल हुआ। अगर देखते हैं सवाल नंबर 101 में, उत्तर से दक्षिण भारत की दूरी क्या, उत्तर से दक्षिण की भारत की दूरी क्या, ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि
214। देखते आगे देखते सवाल नंबर 102 में भारत में सिंचाई भूमि का प्रतिशत क्या है, भारत में सिंचाई भूमि का प्रतिशत क्या है, ये तमाम क्वेश्चन आपके इम्तिहान पूछे जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि 35। आगे देखते हैं सवाल नंबर 103 में कन्याकुमारी प्रदीप है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा डी यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है। आगे सवाल नंबर 104 देख लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम भारत की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा पूर्व से पश्चिम की भारत दूरी कितनी है, इसका राइट आंसर होगा यानी कि 2.933। आगे देखते हैं स्टूडेंट में क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, फिर आपसे कहूँगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही आप शेयर करना, ऐसे फिर आप दूसरी वीडियो मिलते हैं तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।